यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, या मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूँ कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर हैं कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके स्वस्थ पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, दोनों काम किया है। सर आज बहुत ही भावुक क्षण है, कोई वो क्षण जो आप लोगों ने, वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं, मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहता तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की, पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने, एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? नहीं, स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गैप होता है, कहीं रिक्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी होती ही है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है।